तो दोस्तों वैसे तो सेल्फी सब लेते हैं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज का सेल्फी अपलोड करने का प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस वो अलग अलग होता है। जैसे बॉयज का हो गया, बॉयज का प्रोसेस सिंपल होता है, लेते हैं 5 सेल्फीज, ठीक है, और उसको लगातार 5 दिन तक अपलोड करते रहेंगे। अगर उनको पसंद एक भी नहीं आई तो एक भी अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है, और एक भारी भरकम सा कैप्शन और खत्म, काम खत्म। मेनली एक भारी भरकम सा कैप्शन होता है, और रैंडम का मतलब लड़कों के लिए रैंडम ही होता है। रैंडम पिक अगर उसने लिखा है तो मतलब वो रैंडम पिक ही होगी, मेनली 90% रैंडम ही होगी। प्रोसेस खत्म, बॉयज का प्रोसेस खत्म, इतना सॉफ्ट है। उसके बाद स्टार्ट होता है लड़कियों का प्रोसेस। इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है एक सेल्फी लेना जो बताती है कि हाँ ठीक है आगे सेल्फी लेनी चाहिए या नहीं, और अगर वो पिक अच्छी नहीं आई तो पोज चेंज, पोजीशन चेंज, जगह चेंज, सब कुछ चेंज, लेकिन सेल्फी आएगी क्योंकि वो सेल्फी मोड में आ चुकी है लड़की। और उसके बाद वो लेगी कम से कम 1000 पिक्स, और उस 1000 पिक्स में अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, और उन पिक्स को लेते टाइम अलग अलग फिल्टर भी अप्लाई होते हैं, तो उसमें फिर वो पिक्स छाटी जाएगी। पहले तो वो खुद छाटेगी, ठीक है इसमें अच्छी लग रही है, इसमें टट्टी लग रही है, उसमें गू लग रही है, उसमें गोबर लग रही है, उसमें नाक से लैंड निकल रही है, इसमें मुंह में टट्टी दिख रही है। उसका खुद का फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो तो कंप्लीट होने के बाद बचती है 500 पिक। अब उन 500 पिक्स में उसके 50 दोस्तों के पास 10-10 पिक्स जाएंगी, और उनमें से एक एक पिक छटके उसके पास आएंगी 50 पिक्स के बाद वो जाएगी, उसकी सारी पिक्स जाएंगी वो 50 पिक्स उसके बेस्ट फ्रेंड के पास। बेस्ट फ्रेंड उनमें से उसको कोई 15 पिक कैसे भी छांट के दे देगा। छांटने के बाद वो 15 पिक जाएंगी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, किसके पास? लास्ट प्रोसेस उसके बॉयफ्रेंड के पास। और उसके बॉयफ्रेंड चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे टट्टी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको वो पिक बतानी पड़ेगी कौन सी एक पिक जो अपलोड करने लायक होगी। लेकिन वो जब देखता है ना तो सारी पिक सेम होती हैं। हाँ ठीक है ये भी सेम। उस बेचारे को अपना रिलेशन बचाने के लिए उनमें से एक पिक छांट के देनी होती है, और वो पिक उस लड़की को फिर भी पसंद नहीं आएगी। फिर उसके बाद वो सिर्फ एक पिक सेंड करेगी जो उस 1000 पिक्स में उसको पसंद आई होगी, वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड करेगी, फिर बोलेगी ये पिक कैसी है। वो बेचारा थक हार के बता ही देता है, बाकी सारे पिक गई चूतड़ो में किसी के, ठीक है। लेकिन वो जो एक पिक होगी उसको वो अच्छा बताएगा, बताना ही पड़ेगा नहीं तो जूत लात जूत बच जाएंगी। आएगा फिल्टर्स या पता नहीं क्या, पता नहीं बिना सर पैर का जो पिक्सल लेना देना ही नहीं हो उसको डालेगी। और अगर वो रैंडम डालती है ना तो उसमें, और उसके बाद उसमें एक भारी भरकम सा कैप्शन, जैसे लड़के भी डालते भारी भरकम सा कैप्शन वैसे ही लड़कियां भी डालती हैं, लेकिन इनका भारी भरकम कैप्शन का कुछ पिक्सल लेना देना नहीं होता, लड़कों का भी नहीं होता कैप्शन सा, लड़कों की पिक का भी कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन कैप्शन भारी भरकम सा आएगा। और फिर उसमें अगर जल्दी से जल्दी लाइक्स आ गए तो वो पिक सही है, नहीं तो वो पिक हो जाती है फेसबुक से डिलीट, और नेक्स्ट डे ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट।